जय गुरु जी, संगत जी एंड गुरु परिवार. माय नेम इज अनु मुंजाल एंड आई स्टे इन जीके दिल्ली. मेरी गुरु जी के साथ बहुत अमेजिंग और गुड टाइम स्पेंड करा हुआ है, जो आज तक मेमोरीज में लाइव है एंड विच वॉज द डायमंड पीरियड ऑफ माई लाइफ. आई कैन नेवर नेवर फॉरगेट इट. आई विल स्टार्ट विद द जर्नी. एंड गुरु जी के बारे में हम इतना कुछ है कि हम अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते, बिकॉज गुरु जी साक्षात भगवान, दुनिया के मालिक, सृष्टि के मालिक हैं, और उनके लिए कुछ भी कहा हुआ बहुत बहुत कम है. इस तरह जैसे सूरज को दिया दिखाना. सो दैट इज आवर गुरु जी महाराज, हु इज अमेजिंग, हु इज द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स. इट वॉज आई मेट गुरु जी नवम्बर 2005 में. हम लोग इट वॉज करवा चौथ का डे एंड हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह, एंड हम लोग थाली रोटेट कर रहे थे. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी टोल्ड मी दैट एक गुरु जी हैं जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और वो चाय प्रसाद ब्लेस करते हैं और लंगर प्रसाद होता है वहां पर. आप जाते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सब सॉर्ट आउट हो जाती है. सो आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू इट एंड आई थॉट ऑफ गोइंग टू गुरु जी. सो मी एंड माई हस्बैंड वी थॉट कि आज हम गुरु जी के पास चलेंगे एंड हम चले गए. Now, जब हम जा रहे थे रस्ते में, हम लोग अपनी कार में थे, तो रास्ते में मेरे हस्बैंड को वॉशरूम जाना था, तो ही सेड कि मेरे को जाना है. तो मैंने गाड़ी में ही बोला अपने हस्बैंड को कि आप घर से जाके आना चाहिए था, बिकॉज हम वहां जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, एंड इट इज नॉट राइट कि आप वॉशरूम जाओ और वॉशरूम पहले ढूंढो. यू शुड बी गोइंग फ्रॉम होम. ये बात हमारी गाड़ी में कॉन्वर्सेशन गॉट ओवर एंड हम लोग एम्पायर स्टेट चले गए. वहां पर गुरु जी के सामने अपनी गद्दी पे विराजमान थे एंड वहां पर जैसे ही मैंने एंटर करा तो गुरु जी, वहां पूरा दरबार था, मतलब सब बैठे हुए थे एंड गुरु जी अपनी गद्दी पे थे. जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, एकदम बोलते हैं कि घर से बाथरूम होकर आया करो. इट वॉज सो सरप्राइजिंग एंड एम्बेरसिंग फॉर मी कि गुरु जी मेरे को पूरी सब लोगों के बीच में बोल रहे हैं कि घर से बाथरूम होकर आया करो. सो आई फेल्ट वेरी अशेम्ड कि यस, हमारी गलती है. आई सेड हां जी गुरु जी, बिल्कुल. एंड मैं वहां जाकर बैठ गई एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड सी बिकॉज ऑफ यू आई हैड टू फेस दिस. तो फिर मुझसे गुरु जी ने पहली बार में ही पूछा कि किधर आए हो. आई सेड गुरु जी जीके से आई हूं मैं. कहते हैं गटर कैलाश. आई सेड हां जी गुरु जी. तो मैंने अपने फिंगर्स में जेमस्टोन पहने हुए थे, एमरल्ड पहना हुआ था, मुझे किसी ने दिया था कि पहनो. गुरुजी ने मुझे बोला एक ही पाया हुआ है. ऐसे गुरुजी ये एमरल्ड है, किसने मुझे दिया है? कहते ऐसे उतार दे, ऐ तू ग्रह पाए हुए ने. ऐसे हां जी गुरुजी बिल्कुल. और मैंने इमीजिएटली अपने फिंगर में से वो रिंग उतार दी एंड ही टोल्ड मी जाके बैठ जा. एंड ही सेड कि ही आस्क्ड अबाउट माय हस्बैंड कि आप दोनों इकट्ठे आए हो, आपकी लव मैरिज हुई है. तो माय हस्बैंड सेड ये तो कोई भी बता देगा, बिकॉज आई एम टॉल, यू आर शॉर्ट, I am thin, you are fat, so it has to be a love marriage. So anyways, हम लोग बैठ गए. See, जब मैं घर से गई थी तो मेरे को बहुत सारे प्रश्न थे दिमाग में कि मुझे सबके आंसर पूछने हैं गुरुजी से. But वहां जाके आई वॉज टोटली ब्लैंक. आई वॉज सो मेसमराइज गुरु जी को देख के. उनका रूप, उनका जो फॉर्म था, इतना ब्यूटिफुल था, इतने मैग्नानिमस, इतने बड़े, इतना अमेजिंग था कि आपका सारी बातों में से ध्यान हट गया था, बिकॉज आप उन्हीं को देखते रह गए थे. मैं वहां बैठी है, मुझे बहुत अच्छा लगा जाके कि दैट वाज अमेजिंग टाइम. देन आई केम बैक होम एंड फिर हमारा ये जाने का सिलसिला शुरू हो गया. आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी ऑन थर्सडेज एंड संडेज ट्वाइस अ वीक एंड दैट माय डॉटर वाज अराउंड 4 इयर्स ऑफ एज. मेरे को तब हर चीज की जरूरत थी. एक बात मैं और कहना चाहूंगी जो मैंने नहीं बोली आपको. ड्यूरिंग माई फर्स्ट मीटिंग जब मैं गई तो मुझे गुरुजी ने ये भी पूछा, दस तेनु की चाहिए. मेरे को उस समय सब कुछ चाहिए था, ए टू जेड. एवरी थिंग इन माई लाइफ वॉज इनकम्प्लीट एंड आई वॉन्टेड एवरी थिंग. माई हेल्थ वॉज नॉट फाइन, द फाइनेंशियल इश्यूज वर नॉट फाइन, देर वर सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेज इन द फैमिली बिकॉज ऑफ विच देर यूज टू बी क्वाइट आई मीन
the atmosphere was not peaceful. Something or the other was always there. So I had lots and lots of issues. But Guruji asked me, "Tenu ki jayda?" I said, "Guruji, aapki blessings." And I'm so thankful for that answer, because agar main unse mang rahi thi ki mujhe ye chahiye, wo to kab ka pura ho chuka hota. But unki blessings are incessant, they are unending. तब दोबारा भी गुरुजी ने मुझसे पूछा, तेनू की चाहिए? मैंने उन्हें बोला, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स, और मैं जाके बैठ गई. सो इट वॉज सच एन अमेजिंग टाइम. ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम ओनली मुझे बहुत ही आई लव्ड इट, लव्ड एवरी पार्ट ऑफ इट, एवरी मोमेंट ऑफ द मीटिंग विद गुरुजी. देन आई यूज टू गो वेरी ऑफन थर्सडेज और संडेज को. नाउ इट वॉज जनवरी 2006 व्हेन माय फादर वॉज वेरी अनवेल. मैं रहती थी जीके में, मेरे पेरेंट्स रहते थे अशोक विहार में, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. So my father was very very unwell. Unko pneumonia ho gaya and he was hospitalized. All his body organs had failed and he was put on the ventilator. But we couldn't do anything because wo Guruji un dino mein Thursday aur se leke Sunday tak baithte the. Papa was hospitalized on Monday. So Thursday ko I went to Guruji and I was sitting there unke Empire State mein at the end of the darbar. So, वहां पर मेरी आईज वर शट एंड आई वॉज प्रेइंग साइलेंटली टू हिम. वेर आई हैड अ विजन इन विच गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने पापा के माथे से वेंटिलेटर का पाइप हटाया है और ये भी कहा है कि ऐसी कोई लोड नहीं है, जा ऐश कर. एंड वो पापा का जो वेंटिलेटर का है वो हट गया है, ही इज फाइन. पर हम लोग, मैंने अपनी आईज खोली तो आई रियलाइज कि मैं तो एम्पायर स्टेट में हूँ एंड दैट वॉज जस्ट अ विजन. हम लोगों को आज्ञा लेनी होती थी गुरुजी के पास से जाने के लिए, तो मैंने आज्ञा लेनी चाहिए. बट वी आर ह्यूमंस एंड वी स्टिल डोंट बिलीव कि मिरेकल्स क्या होते हैं. एंड गुरुजी को मैंने फिर भी क्वेश्चन करा, गुरुजी मेरे फादर बहुत बीमार हैं एंड वो वेंटिलेटर पे हैं. उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया एंड ही वॉज जस्ट क्वाइट. तो माई हस्बैंड सेड कि नाउ योर डैड विल नॉट सर्वाइव मच, बिकॉज उनका गुरुजी ने भी कोई जवाब नहीं. सो नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मुझे वहां जाके ये पता लगा कि पापा का वेंटिलेटर उतर गया था एट दैट वेरी डे जब मुझे वहां पे विजन आ रहा था. सो गुरुजी वाज एक्चुअली रिमूविंग द वेंटिलेटर एंड डूइंग द कृपा व्हेन आई वाज जस्ट सिटिंग इन हिज दरबार. सो नेक्स्ट डे आई अगेन वेंट टू से थैंक यू टू गुरुजी कि गुरुजी थैंक यू, पापा ठीक हो गए. तब उन्होंने मुझे फिर से बोला, देखा फिर कर देता. एंड गुरुजी इतने क्यूट, इतने प्यारे, इतने अमेजिंग है कि उनका हर वर्ड, मतलब इट वॉज लाइक अ मेलेडी, इट वॉज लाइक द म्यूजिक टू द सोल. एंड आई वॉज सो सो थैंकफुल टू हिम दैट माई फादर हु वॉज इन द रिस्क ऑफ डेथ, हु वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज ऑल्सो फाइन. सो गुरु जी ने मेरे को फिर बोला कि तू आती रहा कर एंड आई केप्ट ऑन गोइंग. माई डॉटर वॉज दैट टाइम 4 years ऑफ एज एंड शी हैड some infection, I mean, which was not curable. So doctors tried their best to do, but I told to Guruji ki Guruji mere daughter thode se bimar hai. So kehte hain unhone mere ko bola ki jaake iske liye chhota sa lota lekar aa aur bless kar diya. Guruji hum logo ko lota lane ke liye bolte the, jinko koi problem hoti thi wo uske liye pani mein wo bless karke dete the, aur pani peena bhi hota tha, usse nahana hota tha. So he blessed a small lota. लोटा तो सिर्फ एक आई वॉश था. गुरुजी हैड ऑलरेडी क्योर्ड हर एंड आफ्टर दैट ऑल हर इन्फेक्शन वाज गॉन एंड द रिपोर्ट्स वाज स्टराइल. सो एवरीथिंग वाज जस्ट गेटिंग सॉर्टेड आउट. माय हस्बैंड, ही आल्सो हैड लॉट ऑफ फाइनेंशियल वरीज, बिजनेस इश्यूज, दे आल्सो स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड बेटर. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट माई मेंटल पीस, विच वॉज जीरो एट द टाइम व्हेन आई वेंट टू गुरुजी, वॉज रिस्टोर्ड टू 100 इन नो टाइम. मेरे को इतनी मेंटली एंग्जाइटी हो जाती थी, टेंशन हो जाती थी, लो फीलिंग आती थी, बट गुरुजी के पास जाने के बाद वो सब जीरो हो गया एंड 100 में कन्वर्ट हो गया पीस. सो हर चीज उन्होंने मेरी सॉर्ट आउट कर दी. हमारी लाइफ में, फैमिली में जो लोग होते हैं जो हमारे लिए डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव हो, चाहे वो हमारे नोन हो, चाहे वो हमारे सगे ब्लड रिलेशंस हो, गुरुजी उन सबको आपसे अलग कर देते हैं. That is his way of blessing you, because Guruji जहां पर है वहां negativity तो रह ही नहीं सकती. So जो लोग आपकी life में disturbances create करते हैं वो भी आपकी life से out हो जाते हैं. That was actually what happened with all of us. So we all became so much of
आई मीन सो मच ऑफ बेटर ईच डे दैट आई फॉरगॉट दैट हम इसी इतनी खराब स्टेट में मैं गई थी कि ऐसा भी था. एक बार ही माई हस्बैंड टोल्ड मी कि यू ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू गुरुजी, अगर कुछ गुरुजी में है तो मेरी सिस्टर का नाम बताएं. नाउ हिज सिस्टर वॉज इन यूके दैट टाइम, शी इज अ डॉक्टर. एंड हमारी ये बात तो घर में होके खत्म हो गई. दो ढाई महीने के बाद वो लंदन से आई एंड मैंने उसको बोला, शी हैड सम इश्यूज विद हर इन-लॉज, सो आई टोल्ड हर कि कम आई विल टेक यू टू द टू वन लवली प्लेस एंड देयर इज गुरुजी महाराज, मैं तेरे को उनसे मिलवाती हूँ. सो मैं उनको वहां पर लेकर गई एंड शी वॉज विद मी. जैसे ही वो मेरे साथ थी तो मैंने उसे गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरे साथ आए हैं. कहते कौन है? मैंने कहा गुरुजी मेरी सिस्टर इन लॉ है. कहते ननान है तेरी? ऐसे हाँ जी गुरुजी. एंड ही इमीडिएटली टोल्ड, जैसे ही उसने गुरुजी का पहुंच हुए, गुरुजी ने बोला, आगे डॉक्टर चेतना मेहता बीडीएस बत्ती दंडा का सर्वनाश. एंड शी वॉज सो अमेज्ड कि ये मेरा नाम कैसे बोला है उन्होंने, बिकॉज गुरुजी को कैसे पता, वो तो पहली बार गई थी. एंड गुरुजी मेरे को देख के ऐसे आईज से इशारा कर रहे थे कि देख मेरे नाम बता दिया. सो गुरुजी को तो हमारी हर बात याद रहती है, जो हमने घर में करी हो, जो आपस में करी हो, जो कितने टाइम पहले की करी हो, whatever it is not hidden from Guruji. He knows itchy bitchy thing about us. And Guruji ko sara kuch, he is like a scanner. Hum jab unke paas jaate the to unhe hamara past, present, future, everything. We used to be like a, he was an X-ray machine who could say, scan everything out of us. So my faith in Guruji kept on increasing and that was like I knew we are standing in front of Bhagwan. बिकॉज एक लाइफ, एक हैप्पीनेस, एक जो इतना डिवाइन लव, वो किसी ह्यूमन कैपेसिटी में नहीं है. दैट इज इन द कैपेसिटी दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड दैट वॉज गुरुजी. सो गुरुजी साक्षात भगवान का रूप है और साक्षात खुद प्रभु है. हम लोगों ने सब भगवानों के लिए सुना हुआ है पर हमने गुरुजी को देखा हुआ है. सो एवरीबडी इज, I don't believe in everybody. I know जब गुरुजी हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ है. And when he is with us, nobody can be against us. और अगर लोग against भी हैं तो it doesn't really matter because आपके साथ साक्षात ईश्वर है और हमें किसी की जरूरत भी नहीं है. So गुरुजी की इस तरह की इतनी सारी चीजें होती थी. मुझे बहुत bronchitis रहता था and मैं steroids खाती थी. एक time था जब steroids ने भी असर करना बंद कर दिया था. तो गुरुजी को मैंने एक बार बोला, गुरुजी मैं लोटा लेकर आऊ अपने लिए, मेरे को बहुत ब्रोंकाइटिस है. कहते तेरे को कुछ नहीं है. मैं कहा गुरुजी आपको पता भी नहीं चल रहा कुछ नहीं है, मेरे को तो इतनी तबीयत खराब हो जाती है, इतना ब्रीदिंग इशू हो जाता है एंड ब्रेथलेसनेस हो जाता है. कि सर तेरे को कुछ नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, टुडे इज द डे व्हेन आई एक्चुअली डोंट हैव एनी इश्यूज. माय होल थिंग, माय ब्रोंकाइटिस, एवरीथिंग इज गॉन. समटाइम्स आई डू हैव एलर्जी बट जो ब्रोंकाइटिस था, जो स्टेरॉइड्स थे, वो सब खत्म हो गए हैं. आई एम नॉट ऑन एनी काइंड ऑफ अ मेडिकेशन. ही हैज क्योर्ड मी कम्प्लीटली. सो दैट्स व्हाट गुरुजी आपकी लाइफ के अंदर हर इशू, हर प्रॉब्लम, हर चीज सॉर्ट आउट करते हैं. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टू सरेंडर एंड हैव अ कम्प्लीट फेथ इन हिम. बिकॉज हमारे को तो वी हैव अ वेरी स्मॉल मायोपिक विजन. हमें ये भी नहीं पता कि हमें मांगना क्या है. बिकॉज जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए भी राइट है कि नहीं है वो हमें नहीं पता है, वो हमारे गुरु जी को पता है. सो अगर आप उनकी शरण में आ गए हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ. बिकॉज हमारे कितने पुराने जन्मों के कर्म फ्रक्टिफाई होते हैं, गुड कर्मास, तब हमें जाके गुरु जी महाराज की शरण मिलती है. एंड वी आर दोज लकी पीपल आउट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड हु आर इन हिज कैनोपी, कैनोपी ऑफ लव, ऑफ ब्लेसिंग्स. सो when you are with Guruji, there is nothing that you can ask for, that you want for, because he sorts out your life. वो हमारी life को best way में ही lead करवाते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते. And there were so many things which Guruji actually made it happen for me, which I could never have imagined कि हो सकता है. My parents, I wanted कि वो मेरे पास shift हो जाएं. And Guruji ने मुझे एक बार बोला कि किधर रहने ने तेरे माँ पे हो. I said Guruji, अशोक पे हर रहते हैं. कहते हैं उन्होंने अपने नेड़े लेके आ जाओ. And my in no time my parents could shift to South Delhi near me. And the best part is ki they had to spend nothing extra apni pocket se, rather they saved some money when they
shifted from that area to South Delhi, which is only the meher. मतलब गुरुजी आपके मन का एक dead thought भी पूरा कर दे, और आपको पता है खुद भूल जाते हैं, बट उनको एक एक चीज याद रहती है. जो चीज हमारे लिए बेस्ट है और अच्छी है वो हमेशा होती है, हम लोग के बिना बोले बिना सोचे होती है, बट आपको राइट टाइम उनको पता है कब करेंगे. सो ऑल आई कैन से कि हमें डिमांड करना भी नहीं आता कि हमने क्या मांगना है, बिकॉज अगर हम एक चीज छोटी मांग रहे हैं तो गुरु जी तो हमें बहुत बहुत ज्यादा देने के उसमें होते हैं, बट हमारे को ट्रस्ट नहीं है, हमारे को टाइमिंग इम्पेशेंट, वी आर नॉट पेशेंट, सो दैट इम्पेशेंस इज देयर बिकॉज ऑफ विच वी आर समटाइम्स वी बिकम रेस्टलेस एंड यू नो वी लूज होप. बट देयर इज नथिंग लाइक दिस. अगर आप यहाँ पर आए हैं तो देयर इज नो बेटर प्लेस देन गुरु जी महाराज, देयर इज नो बिग भगवान देन गुरु जी महाराज, एंड ट्रस्ट मी ही सॉर्ट्स आउट योर लाइफ. वो आपकी लाइफ फर्स्ट ही ब्लेसेस यू विद लाइफ, देन ही ब्लेसेस यू विद हेल्थ, एंड देन एवरीथिंग एल्स फॉलोज, बिकॉज योर हेल्थ इज योर वेल्थ, योर लाइफ इज योर, इफ यू डोंट हैव अ लाइफ व्हाट विल यू डू विद द वेल्थ ऑल्सो. आपको सबसे पहले गुरु जी महाराज आपकी लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर हेल्थ करते हैं, एंड रेस्ट एवरीथिंग फॉलोज. दुनिया में इतने इश्यूज हो रहे हैं, कोविड टाइम्स हैं, कुछ है, बट गुरु जी हैज केप्ट ऑल ऑफ अस इन सच अ सेफ वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, दैट वी डोंट इवन वरी, बिकॉज हमें पता है हम उनकी शरण में, उनकी कैनोपी ऑफ लव में है, हम उनके छत्र छाया में है, सो वी डोंट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ इनसिक्योर फीलिंग, एंड वी डोंट हैव टू वरी, बिकॉज हम उन्हीं की शरण में है, सो नथिंग कैन डू एनीथिंग टू अस, यू नो नथिंग कैन हार्म अस इफ ही इज विद अस. एंड आई बिलीव दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ वी कैन बी गुड ह्यूमन बींग्स विद क्लियर हार्ट, और उनके भक्त बनने के लायक तो हो सकते हैं. उसके लिए हमें बिल्कुल प्योरिटी एंड गुडनेस वी हैव टू हैव इट, वी कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड, एंड दैट इज वॉट आई बिलीव. गुरु जी नेवर वॉन्टेड कि कोई सोशली आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो. आप गुरु जी हैड वेरी सिंपल, ही नेवर प्रीच्ड, ही नेवर सर्मनाइज, उनके बड़े सिंपल लाइफ के फैक्ट्स थे एंड थ्योरीज थी, दैट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बींग इवेंचुअली, एंड वो भी गुड कह कह के आपको बना देते. आप अगर अच्छे नहीं भी हो, बट अगर आप उधर गुरु जी आपको अच्छा कह कह के ही अच्छा बना देते. सो ही ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, ही चेंजेस योर लाइफ. We have to be just, we should try to be a better human being. That's what we can give to Guruji. हम और उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश हम कर सकते हैं. And then once I'll tell you, this was in I guess 2007. Guruji told all of us to write our satsangs and compiled and give it. So, मैंने भी अपना सत्संग पूरा लिखा ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ही गेव इट टू गुरुजी. सो गुरुजी टोल्ड मी कि ए तू पुठे काम कर दिए, इस तरह नहीं देना है, इन सीडी में लेकर आ. सो आई सेड हां जी गुरुजी, एंड नेक्स्ट डे आई कंपाइल्ड इट इन द सीडी. एंड जब मैंने सीडी जब गुरुजी ने मेरे से ली, तो उन्होंने मुझे बोला ए सत्संग अमेरिका विच कंजर पड़नगी, मीन्स वो इंटरनेट पे फ्लोट होगा. एंड दैट वॉज द टाइम, हमें तो नहीं पता था गुरुजी हमारे को फिजिकली He will leave us, but ये जो सारे सत्संग थे फिर लाइट ऑफ डिविनिटी में आए, एंड वी ऑल हमारा सबका सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी में जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी. एंड गुरु जी ने हम सबको पहले ही मेरे को बोला था कि इंटरनेट मतलब अमेरिका विच कंजर पढ़ेंगे, सो दैट इज वाइट इज ऑन इंटरनेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर एबल टू रीड देम एंड हेयर देम. आई एम सॉरी. So that was Guruji. And when Guruji left us physically, I used to feel ki hum to bilkul anath ho gaye hain, Guruji has gone and ab kaun hai. So that very day he came in my dreams and he said, main kahin nahi gaya hu, maine sirf apna chola badla. So itne bade bhagwan jo aapke saath har moment mein hai, har cheez mein aapke saath hai, aapko answer de rahe hain, itna personalized aur kaun ho sakta hai, itne pyare bhagwan hai Guruji. So I have just one thing, हम लोग को सिर्फ थैंक्स बोलना चाहिए गुरुजी को, एंड वी कैन नॉट बी इवन थैंकफुल इनफ टू हिम फॉर इंडेटेड टू हिम, बिकॉज वी ही हैज गिवन अस एवरीथिंग, आवर एवरी ब्रेथ, आवर लाइफ इज हिज गिफ्ट, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम बट बी अ बेटर ह्यूमन एंड ट्राई टू डू समथिंग फॉर द सराउंडिंग्स, फॉर द नेचर, फॉर द सोसाइटी. एंड
प्रूव दैट वी आर हिज, उनके भक्त होने के हम लायक हो, वी हैव टू बी दैट वे. दैट इज व्हाट आई कैन से. एंड देयर इज सो मच एल्स व्हिच वी कैन टॉक अबाउट गुरुजी, बट आई मीन आई मे बी नेक्स्ट टाइम आई डू इट मोर, बट वी आर सो थैंकफुल. And thanks to Guruji for every blessing, for everything. Thank you, Guruji.